हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले ओप्पो K1 के बारे में। ओप्पो K1 एक डिवाइस है जो कि अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च 17,000 के प्राइस में, और जिसमें ऐसे यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको किसी और डिवाइस में नहीं मिलते, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और भी बहुत ऐसे फीचर्स जो इस डिवाइस को काफ़ी खास बनाते हैं। तो ज्यादा जानकारी पाने के लिए इस डिवाइस के बारे में इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे टेक्साला चैनल। तो बस बिना समय चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ओप्पो की तरफ से लॉन्च हुआ है ओप्पो K1, इसमें आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी कि आप डिस्प्ले के एक पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर आप फिंगरप्रिंट से टच करते हैं डिवाइस को, तो डिवाइस आपका हो जाता है अनलॉक। हालांकि आपका जो फिजिकल सेंसर होता है पीछे वाला या फिर रियर में, उससे ज़्यादा फास्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ वर्क करता है हर केसेस में और काफ़ी अच्छा कंडीशन प्रोवाइड कर देता है आपको, मतलब काफ़ी नया लुक दे देता है आपके डिवाइस को और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक डिवाइस को दे देता है, यानी कि आपका जो डिवाइस है काफ़ी अच्छा दिखता है। अब अगर आप में आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है तो डेफिनेटली इसमें आपको OLED पैनल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें OLED पैनल मिलता है। अब OLED पैनल की वजह से इसकी डिस्प्ले जो है 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले OLED पैनल के साथ, जो इसको काफ़ी अच्छा क्लियर क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले बना देता है। आपको इसमें जो बैटरी मिलता है वो 3500 mAh की, उसके पास आपको टाइप सी की पोर्ट मिलता है, प्लस फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 660 मिलता है, ये आपको ग्लॉसी बैक डिज़ाइन मिलता है, ग्रेडियंट फिनिश के साथ आता है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब स्नैपड्रैगन 660 के साथ आने की वजह से ये आपका सीधा कंप्यूटर बन जाता है नोट 7 प्रो का, ZenFone Max Pro M2 का, Realme 2 Pro का। तो ये जो फ़ोन्स हैं 12,000 से स्टार्ट होते हैं और ये भी 16-17,000 के प्राइस के बीच में आते हैं। ऐसे में अगर आप इस डिवाइस को लेते हैं तो ये आपका फ्यूचरिस्टिक डिवाइस बन जाता है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और सब में जैसा कि स्नैपड्रैगन 660 मिलता है, इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 660 ही मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये डिवाइस काफ़ी कमाल का है। अब अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 15,000 रुपये का फ़ोन लेने के लिए, जैसे नोट 5 प्रो या नोट 6 प्रो, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिल जाता है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फास्ट चार्जिंग टाइप सपोर्ट और स्नैपड्रैगन 660। तो ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस होने वाली काफ़ी अच्छी होने वाली है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसको काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो ये थे पूरे डिटेल्स आपके ओप्पो K1 के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना से वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं हमसे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।